मछली का नाम आते ही बेहतर खपत कारोबार एवं समृद्धशाली क्षेत्र की झलक आंखों के सामने कौंधने लगती है। कल तक जहां केवल असंगठित रूप में मछली उत्पाद किया जाता था, वहीं आज बिहार सरकार के सहयोगी योजनाओं के चलते भारी संख्या में आम जनता का रुझान इस क्षेत्र की ओर बढ़ा है। पटना परिक्षेत्र पशु एवं मत्स्य विभाग के उपनिदेशक देवेंद्र नायक हमारे संवाददाता को बताया कि सरकारी स्तर पर बहुमुखी योजनाओं का लाभ मत्स्य विभाग द्वारा दिए जाने के चलते मछली उत्पादन के क्षेत्र में लोगों का रुझान बढ़ा है। सरकार ने इस क्षेत्र के लिए बेहतर सब्सिडी दे रखी है ताकि कारोबार बढ़ सके। मृदुभाषी उपनिदेशक ने मछली कारोबार को लाभकारी कहा। वे इसे कारोबार एवं रोजगार दोनों मानते हैं और बहुयामी भी कहते हैं। मत्स्य पालक जिसके पास लैंड उपलब्ध है वो मत्स्य पालक से जुड़ करके अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ये सेक्टर ऐसा अंटच एरिया है जहाँ पर मतलब इनकम अधिक है। मेरा जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है इनकम जो है इसका जो काफ़ी अधिक है। इसके बहुत सारे सेक्टर इसमें हैं। मत्स्य पालन के अलावा इसमें कम्युनिटी फीस कल्चर कर सकते हैं, गाय इसमें मुर्गी पालन साथ में कर सकते हैं। तो मल्टीपल मतलब जो कल्चर मतलब फार्मिंग करके हम अधिक से अधिक इनकम क्रिएट कर सकते हैं। यही एक सेक्टर है जहां रोजगार की अपार संभावना है जी। सब्सिडी गवर्नमेंट इसमें कितना ध्यान दे रही है सब्सिडी पर? सब्सिडी लगभग सभी स्कीमों में हमारा सब्सिडी 40% से लेकर के 90% तक है। जो STSC है, अति पिछड़ी जातियाँ हैं, वो सब के लिए 90% लगभग आता है और अन्य जातियाँ जो है 40% 50% सब्सिडी है। सीडिंग रेट अच्छी है, मतलब जो है जैसे कि नए तालाब बनाना है तो उसका 7 लाख यूनिट कॉस्ट है। जो लो लैंड एरिया है उसे 6 लाख यूनिट कॉस्ट है। तो 40% या 50% भी होती सब्सिडी होती है, 3 से 4 लाख प्रति हेक्टेयर सब्सिडी बन जाता है। तो सब्सिडी अच्छी है, लेकिन सब्सिडी मूल महत्वपूर्ण है इसमें हम लोग टैग कैसे हो, उसको हम लोग रोजगार के रूप में कैसे अपनावे। सब्सिडी तो जैसे प्रोत्साहन है, एक साल मिलेगी लेकिन आगे साल तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। एक सब्सिडी की राशि से कम इतना सहयोग तो गरीब जो मिलता है कि वो तालाब का निर्माण आसानी करने में आसानी हो जाती है। दूसरा ये पॉइंट, इस ऑफिस से मार्केटिंग होता है मछली का, बोर्ड हम लोगों ने देखा था, तो क्या ये चालू है वर्ष पर्यंत मार्केटिंग ऑफिस से मार्केटिंग मछली बिक्री है? यहाँ एक सेंटर था, अभी तो बंद पड़ा हुआ है, उसको भी ऑक्शन हम लोग कर रहे हैं कि एक आउटलेट बना हुआ है उसको जो है ना ऑक्शन करने की बात चल रही है। सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, उसमें टेंडर करना है। बहरहाल नई नई तकनीक के साथ मछली उत्पादन क्षेत्र के बृहद बाजार में बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर योजनाओं का लाभ कारोबारी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन कुमार, SDF न्यूज, पटना।